दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे आया हूँ और हमारी जो बाइक है वो अभी अंदर है और डॉक्यूमेंटेशन का आधा काम मैंने कल कर ही दिया था, बाकी का जो बचा हुआ है वो आज कर देंगे। तो अभी ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है पीछे और ये खड़ी, हमने ब्लू कलर की नहीं ली है, हमने ब्लैक ली है। तो वो अभी अंदर ऑलमोस्ट हमारा जो पेपर वर्क है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। और जिन भैया से हम गाड़ी ले रहे हैं आज उनका बर्थडे भी है तो उनके लिए मैं केक लेके आया हूँ और केक भी काटेंगे और बाकी का पेपर वर्क है वो करके अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। आ जा तो ये हमारे भैया, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। आपका केक ले गया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये जो है यहाँ पे बाइक रखी है, ये हमारी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक रिबॉर्न, तो अभी पहले वाली क्लासिक थी वो बंद हो चुकी है, तो अभी ये नई वाली क्लासिक है। एक दिन इसकी भी टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये कैसी दिखती है। तो मैंने यहाँ से ली है बाइक, ये फरीदाबाद में शोरूम है एचपीसी चौक के पास, यहाँ से मैंने ली है और मैंने ना बहुत जल्दी अवेलेबल करा दी। मैं पानीपत से पता कर रहा था, वहाँ से 15 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था लेकिन वो हो नहीं पाया उसके बाद भी। तो यहाँ पे मैंने जैसे पूछा, इन्होंने बोला कि आपकी अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए तो आप आओ और लेके चले जाओ। तो फिर मैंने बात की, कुछ पेपर वर्क मैं एक दिन पहले करके चला गया था यहाँ पे और आज आया हूँ मैं। आज मेरे को डिलीवरी लेनी है, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है जो भैया अभी कर रहे थे, वो कुछ थोड़ा बहुत पेपर वर्क बाकी था वो उन्होंने ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट कर दिया, उसके बाद बस हम डिलीवरी ही लेंगे और तो उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। अभी मेरे को जो लेग गार्ड लगवाने हैं, एक ये है और एक ये है, मैं कन्फ्यूज हूँ कि ये वाला लगवाना है कि ये वाला लगवाना है। इसके अलावा एक और मॉडल आता है स्ट्रेट वाला, अब मेरे को वो सही लग रहा है लेकिन ये थोड़ा हैवी लग रहा है। अब एक बार नीचे जाके देखना पड़ेगा कि ये वाला सही है या वो दूसरा सही है। अभी फ़िलहाल ये लगा रखा, अगर ये अच्छा लगा बाइक पे तो यही रख लेंगे और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर चेंज करवा लेंगे। अब एक बार नीचे जाते हैं, नीचे जाके बाइक पे चेक करते हैं। ये नीचे बिलिंग वगैरह जहाँ पे होती है और बाइक जहाँ खड़ी है अभी वहाँ जाएंगे। पहले नहीं अलाउड है, नहीं। अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा पेपर वर्क हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ना जैसे मैं लेने आया हूँ तो मैंने क्या किया, मैं चेक नहीं ले गया क्योंकि मेरे किसी ने बताया नहीं। अब अगर आप लेने आते हो ना तो एक तो आपका ATM आपके पास होना चाहिए, जिस भी स्टेटमेंट से अकाउंट से आपको ये चीज़ लेनी है। उसके अलावा आपके पास चेक होने चाहिए आपके 3 और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो नेसेसरी है, वो तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिएगी। तो ये चीज़ें आपको लेके आनी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा अगर आप पेमेंट करोगे, जो भी आपका पेमेंट मेथड है, तो अभी ये क्रेडिट कार्ड पे और डेबिट कार्ड पे जब पेमेंट लेते हैं तो ये उसका 2% चार्ज करते हैं। तो अगर आप कैश में यहाँ पे पेमेंट करोगे रॉयल एनफील्ड में, मैंने बोला भी, उन्होंने बोला कि सर हमारी यही पॉलिसी है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो 2% लगेगा। तो आपको ये चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर आप लेने जाओ तो कैश लेके जाना, ताकि आपका भी और 1-2% जितना भी आपका कटेगा वो ना कटे। और उसके अलावा जिस टाइम पेपर वर्क हो रहा हो तो आप अपनी चीज़ें देख सकते हो, और अगर आपको कोई एक्सेसरीज नहीं लगवानी, आपको सिंपल बाइक लेके जानी, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लोन अप्रूवल चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें चाहिएंगी। अगर और उसके अलावा अगर आप अदर सिटी में रहते हो, मान लो आपकी जो मेन सिटी है वो अलग है और सेम ही स्टेट में हो, तो भी अगर आप अदर सिटी में रहते हो तो आपको जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का या तो आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए
या फिर आपका जो बिल है वो सब वगैरह आपके नाम पे होना चाहिए, तभी जाके आप उस सिटी से ले सकते हो। अदरवाइज आपको जो आपकी मेन सिटी है वहीं से आपको ये लेना पड़ेगा। साढ़े 700 रुपये और जो मीटियोर है हमारी वो करीब मेरे को 3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए और अभी रेडी हो चुकी है, अभी ढक रखी है, अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी तो उसके बाद फिर लेके जाएंगे। बस अब भी इंतज़ार नहीं हो रहा कि जल्दी से बस ये बोल दें कि लो इसको हटा दो और ले जाओ, बस अभी उसी चीज़ का वेट है कि जल्दी से बोले और इसको हटाएं और लेके जाएं। और ये हमारी मीटियोर अनबॉक्स हो चुकी है और गेट पास बन गया है, बस इसको बाहर निकालेंगे। साढ़े 7 बज गए हैं, बाइक बाहर निकल गई है, अब बस निकल रहा हूँ मैं और आज ही हम एक लंबी राइड मारेंगे इस पर, फिर देखते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटी है।